हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो लोकल मार्केट से कुछ ख़रीदारी की है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। मेरे यहाँ वेनर्सडे बाज़ार लगता है, आप लोगों के शहरों में भी कोई ना कोई मार्केट लगती होगी। किसी का सोम बाज़ार, किसी का मंगल बाज़ार, तो ये लखनऊ का बुध बाज़ार है जो काफ़ी फेमस है। तो मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग की है, चलिए शेयर करते हैं मैंने क्या क्या ख़रीदा है। चलिए शुरू करते हैं, मैंने क्या क्या शॉपिंग की है आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जो है गिलास ख़रीदे हैं, कि ये गिलास बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप कई बार, जैसे जो लोग चाय पीते हैं कई बार उसमें आप पी सकते हैं। मैंने इनको ख़रीदा है, 50 रुपये के 6 हैं ये। और एक मैंने ये वाला डिज़ाइन ख़रीदा है, मैंने वहाँ से मैं ख़रीदती रहती हूँ, मुझे गिलास वहाँ के बहुत पसंद आते हैं। मतलब आप अपने घरेलू सामान वहाँ से आप छोटा मोटा ख़रीद सकते हैं मार्केट से। तो इस तरह से मैंने गिलास ख़रीदे हैं। और फ्रेंड्स, मैंने ये हाथ पूछने के लिए मैंने देखिए हैंड टॉवल ख़रीदे हैं। आप बताइए, इनका साइज़ बहुत अच्छा है, मैं इनको यूज़ कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, ये मुझे 50 रुपये का एक मिला है, तो मैंने इसको 4 मैंने टॉवल ख़रीदे हैं बाथरूम के लिए। एक देखिए, ये 4 टॉवल ख़रीदे हैं मैंने बाथरूम के लिए। ये मेरे यहाँ दिन में 2 बार बदले जाते हैं, तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और ज़्यादा बड़े टॉवल तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते हैंड टॉवल के लिए, ये बहुत अच्छे हैं। मैंने एक वहाँ से पजामा ख़रीदा है, वैसे तो सभी जगह सब कुछ मिल जाता है, पर डेली यूज़ में पहनने के लिए मैंने अपनी बेटी के लिए कि पजामा ख़रीदा है। 100 रुपये का पजामा था, ऐसे में 3 पजामे ख़रीद के लाई हूँ उसके लिए कि यूज़ एंड थ्रो, एक सीज़न में पहनी और आप इसको हटा दीजिए। कलर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जब मैं बाज़ार गई थी तो ऐसा कुछ वो नहीं था कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, पर मैंने जब देखा तो मन आ ही जाता है 2-4 चीज़ें ख़रीदने का, तो मैंने इनको ख़रीदा है। और 2 वो यूज़ कर रही है पजामे, और एक ये मैंने ख़रीदा है 100 रुपये का। आप लोगों के यहाँ भी मिलते होंगे सब इस तरह के पजामे। और इसमें गर्मी नहीं लगती, इनको यूज़ करिए, आप एक साल यूज़ कीजिए फिर इनको दूसरे चेंज करके पहन लीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने एक ये छलनी ख़रीदी है, इसमें आप कोई भी चीज़ स्टीम कर सकते हैं, धो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये चलनी मुझे 70 रुपये की मिली है, और इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट है, इसमें इधर जो है सब जगह जो है छेक बने हुए हैं, इसमें अच्छी चीज़ स्टीम हो जाती है। ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी ख़रीदने के लिए, मेरे पास ऐसी वाली तो है। आप इस पर दूध के लिए भी यूज़ करते हैं, दूध अगर आप बहुत सारा दूध लेते हैं, बड़ा भगोना है, कुछ चीज़ ढकना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। और वैसे वाली छलनियाँ जो हम यूज़ करते हैं, एलिफेंट वाली जो नेट वाली होती हैं, वो थोड़े से उबाल आने पे गंदी हो जाती है, उनको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ये छलनी ख़रीदी है, ये 70 रुपये की पड़ी है। वो बोल रहा था 100 रुपये की, पर मैंने उसे 70 रुपये की ली है मैंने। और एक ये मैंने फ्रेंड्स ख़रीदी है आटा छालने की छलनी, सभी के पास होती है इस तरह की छलनी, मेरे पास इस तरह की छलनी नहीं थी, मेरे पास प्लास्टिक वाली छलनी थी जिसमें हम चेंज कर लेते हैं, जिसमें कभी मैदा सूजी छानने वाली वो उस तरह की थी मेरे पास। तो उस पर कभी कभी छानते छानते वो निकल जाता था, वो फिट नहीं हो पाता, अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरह से मैंने ये ख़रीदी है 100 रुपये की, मैंने स्टील की आटा छानने वाली छलनी ख़रीदी है। और फ्रेंड्स, मैंने वहाँ से ख़रीदी है ये रीले तो अक्सर सबके घर में काम आती है, और कुछ ना कुछ सिलाइयाँ हम लोग लेडीज़ तो करते रहते हैं। तो ये मैंने बहुत सारी 10 देखी फ्रेंड्स, मैंने 10-12 कलर ख़रीदे हैं, ये मुझे 5-5 रुपये की मिली है। जो हम किसी शॉप से ख़रीदते हैं तो आपके 10 रुपये से ज़्यादा के 10 रुपये या 12 रुपये की मिलती है, वहाँ ये मुझे 5-5 रुपये की मिल गई है। तो इसे मैंने बहुत सारे कलर ले लिए हैं, बहुत मन तो बहुत था शॉपिंग करने का और चीज़ें ख़रीदने का, पर मैंने कहा अभी तो बस इतना ही बहुत है, जो मुझे ज़रूरत लगा वो मैंने ख़रीदा। वैसे मैं बीच बीच में जाती रहती हूँ, कभी मैं सूट ख़रीद लाती हूँ, कभी दुपट्टे ख़रीद लाती हूँ। फ्रेंड्स, वहाँ पे सामान बहुत अच्छा मिल जाता है, आप एक मार्केट में जाके बहुत सारा सामान आराम से ख़रीद सकते हैं लोकल मार्केट में, जो आपके मंडे ट्यूसडे वेनसडे किसी दिन भी लगता है। आप लोग भी शॉपिंग करते होंगे, पर अलग अलग शॉप पे जाइए तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है देखने पे, वहाँ पूरी मार्केट में एक साथ आपको बहुत सारा सामान अच्छा मिल जाता है। मैं महीने में एक बार अवश्य जाती हूँ वहाँ से, और अपने घर का छोटा मोटा सामान मैं वहीं से शॉपिंग कर लाती हूँ। लॉकडाउन के बाद ये मेरी पहली शॉपिंग है जहाँ से ये मैं सारा सामान खरीद करके लाई हूँ। और आप बताइएगा आपको ये मेरा सामान कैसे लगा, और मुझे क्या क्या ख़रीदना चाहिए, और आप लोग क्या क्या ख़रीदते मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।